जो आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का, और ये कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसका हम दशमलव प्रसार कैसे जानेंगे कि वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये एक नंबर का सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में भी, और दो नंबर के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बहुत ही अच्छा से समझेंगे। देखिएगा, मान लीजिए कि परिमेय संख्या जो है पी बाई क्यू के रूप का लिखा जाता है, जहाँ पर क्यू जो है वह जीरो के बराबर नहीं होता। इतना तो आप लोग को जानकारी है कि परिमेय संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q जो है जो जीरो के बराबर नहीं है। अब सोचिए कि अगर ये कोई परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार, यानी दशमलव प्रसार कहने का मतलब कि अगर हम p में q से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं कटेगा, दशमलव तक पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यह बात जानना होता है दशमलव प्रसार में। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो आप क्या कीजिएगा, जो नीचे रहेगा बटा में, यानी q, q बराबर आप देखिएगा कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का अगर है, सुनिएगा ध्यान से, q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो परिमेय संख्या p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। ये बात आप लोग को अच्छा से समझ लेना है कि नीचे जो आप हर देखना है ना, अंश बटा हर, तो पहले तो आपको अंश देखना है कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं है। अगर इस रूप का हर है तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, और अगर इस रूप का नहीं है तो कहेंगे दशमलव प्रसार इसका अशांत है, ठीक है। यह बात तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे देखिएगा, एक उदाहरण एक है 5/8। देखिएगा, 5/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, यह आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, कैसे जानेंगे, देखिएगा, पहले आप पता कर लीजिए कि 5/8 जो है इसका अंश हर कौन सा है, ये अंश है और ये हर है। और याद रखिए, ऊपर वाला को हम P मानेंगे और नीचे वाला को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। तो Q का मान यहाँ क्या है, 8 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 8 को फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, क्योंकि आप जानते हैं 2 × 2 = 4 × 8, है ना। तो आप सोचिए कि 2 कितना बार, 3 बार, तो 2 है 3 बार, बट इसमें 5 तो एक बार भी नहीं है, इसीलिए हम क्या किए, 5 के पावर 0 लगाए हैं। इसलिए क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू तो फिर 1 आ जाएगा, तो सोचिए 2 के पावर 3 ही रह जाएगा। याद रखिएगा कि 2 3 बार है, बट इसमें 5 एक बार भी नहीं है, इसलिए हम 5 के पावर 0 लिखे। अब आप सोचिए कि ये जो 8 आपका है, वह क्या, ये जो आपका आया है टर्म 2 के पावर 3 × 5 के पावर 0, यह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, दिख रहा है ना, कि यह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है। इसका क्या मतलब कि अतः इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। बात समझिएगा फिर से अच्छा से, कि इसका हर जो है अगर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का आपको दिखता है तो समझिए उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर वह रूप में नहीं दिखता है तो समझिएगा कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे देखिएगा, 13/3125 दिखाई दे रहा है ना, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये कटने वाला है कि नहीं, 13 से तो ये कटेगा नहीं, इसलिए हम इस वाले पार्ट को उठा लेते हैं। तो Q का मान कितना है, 3125 है ना, 3 × 1 = 5, इस 3125 को हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और फैक्टर कैसे करते हैं, आप लोग को पहले से पता भी है, 3125 को हम फैक्टर करते हैं। तो पहले तो 5 से लगाएंगे तो 625 बार में लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 125 बार में, है ना, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 × 25 = 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 × 25 = 25। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 3125 का गुणनखंड करना भी हम आपको पहले से भी बताए थे और आप लोगों को आता भी होगा। तो 3125 को अगर आप फैक्टर किए, गुणनखंड किए, तो 1 2 3 4 5, 5 कितना बार आया, 5 बार, इसीलिए 3125 को हम लिखे 5 के पावर 5। ये समझ में आ रहा है ना, 5 के पावर 5 क्यों लिखे, क्योंकि 5 कितना बार आया है, 5 बार। और आप सोचिए, इसमें 2 तो नहीं है, इसीलिए हम 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5 तो आपको दिख रहा है। तो आप सोचिए कि Q का जो मान था वह 2 के पावर 0 × 5 के पावर m आया, मतलब 5 आया। इसका क्या मतलब कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, दिख रहा है ना, कि 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप का है। अतः क्या कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा।
ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि सीधी सी बात आप याद रखिएगा कि इसका जो हर है 2^m × 5^n के रूप का होना चाहिए। अगर है तो कहिएगा कि दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन पर देखते हैं जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाए, और यह आप हमेशा यह देखिएगा कि अच्छा से कि अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा 64/455 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले तो ये कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला है तो आपका इसका हर उठा लीजिए, तो 455 है ना, 455 है तो 455 को आप पहले फैक्टराइज कीजिए, यानी कि इसका गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप ये 5 से लगाइएगा, तो 5 से लगाइएगा तो 9 × 5 = 41, 91 + 5 = 455 आएगा। फिर आप 7 से लगाएगा तो 13 × 7 = 91, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। गुणनखंड तो आप लोग करना जानते ही हैं, आप 5 से लगाइएगा तो 91 बार में कटेगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 13, फिर 13 से लगाएंगे तो एक बार में या आप डायरेक्ट 13 भी छोड़ सकते हैं। तो आप सोचिए 455 को क्या क्या फैक्टर किए, 5, 7, 13 सब एक एक बार आया है ना, 5 भी एक बार, 7 भी एक बार और 13 भी एक बार। अब आप सोचिए कि इसमें 2 तो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 5 तो दिखाई दे रहा है, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज आ गया, कौन सा, वह 7 है और 13 है। आप याद रखिएगा कि उसका हर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और 5 ही दिखना चाहिए। ये दोनों के अलावा अगर कोई चीज़ फैक्टर आपको दिख जाए तो समझिएगा कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप 5 तो है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा 7 आ गया है और एक 13 आ गया है, जो 2^m × 5^n के रूप का नहीं है। अब रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये बात समझ में आया ना, ये अशांत आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि 2^m × 5^n के रूप का नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। जैसे आपको क्या करना है, पहले आप इसको काट दीजिएगा, जैसे काट दीजिए तो 2 × 6 और इसको आप काटिएगा तो 5 × 15, यानी आएगा कितना, 2/5। अब आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा या अशांत होगा। उम्मीद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।